केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यह खबर निश्चित रूप से परेशान करने वाली है कि जिन लोगों ने COVID-19 वैक्सीन यानी कोविशील्ड का इस्तेमाल किया है, उनमें खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन साइड इफेक्ट में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसे प्राणघातक व ड्रामने इफेक्ट भी छिपे हैं। इस दवा को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका से ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने फार्मूला लिया था और कोविशील्ड नाम से दवा बनाई थी। कई लोगों की मौत के बाद यूके हाई कोर्ट में 51 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें कंपनी से 1,000 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया है। कंपनी के साइड इफेक्ट की स्वीकृति के बाद केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इसी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा सरकार ने 52 करोड़ रुपए वसूला था। यदि भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन का श्रेय लिया है तो उसके दुष्परिणाम का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है। कोरोना काल का वह भयानक दौर आज भी दिल को हिलाने के लिए काफी है। यह वह वक्त था जब हर चौथे घर में मौत दरवाजा खटखटा रही थी। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में कोविशील्ड कोवैक्सीन ही नजर आई। कोविशील्ड भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई थी। सीरम ने इस दवा का फार्मूला एस्ट्राजेनिका से लिया था। इस कंपनी के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनिका से करीब 1,000 करोड़ रुपए का हजाना मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपोनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट की संख्या भी गिर जाती है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नामक शख्स की वैक्सीन के बाद हालत खराब हो गई थी। खून के थक्के जमने से उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। स्कॉट की शिकायत पर मई 2023 में कंपनी ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता, लेकिन इसी साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा दस्तावेजों में कंपनी ने अपने इस दावे से पलट गई। अब यह जानकारी सार्वजनिक हुई है। कंपनी ने अपने बचाव में यह भी कहा है कि इसी वैक्सीन से 60 लाख लोगों की जान उसने बचाई है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ माह बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। तभी यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें से इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। उधर हिंदुस्तान में भी युवाओं में एकाएक ही हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोरोना के बाद हार्ट की मसल्स कमजोर पड़ी हैं और इस कारण ही हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही मेरठ के अहमदनगर में रिमसा नामक युवती डांस करते करते गिर गई और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसे बहुत से मामले इन दिनों प्रकाश में आ रहे हैं। इधर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। विपक्ष का सीधा ये कहना है कि इस वैक्सीनेशन का श्रेय भाजपा की मोदी सरकार ने लिया है, तो अब इसके दुष्परिणाम का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है, क्योंकि भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में 52 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट से वसूला था। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।